So hey, what's up guys, this is Shivam Rani. Welcome back with a new video. Hope so you all are doing absolutely good. So finally Mossad Jatt movie का official trailer out हो चुका है. trailer देखने की वजह फिर करते हैं आप बाकी गलत discuss. तो पहले यार मतलब उन्होंने सब कुछ सेटअप वगैरह सब कुछ कर लिया है, तो बहुत ज़्यादा पैसा लगा के सब कुछ इन्वेस्ट करके, लेकिन उन्होंने आवाज़ थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है. मैंने मतलब चैन नहीं आ रहा यार, मतलब मैं सोच सोच के परेशान है कि आवाज़ दा की करा. उन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ इको जी है, तो आवाज़ मुझे जी थोड़ा बेहतर लग रहा होगा. तो पहले तो माइक अगे रखता सी, हूँ मैं ना लाया अपने. सो मैंने जरूर दस्यो कि हूँ आवाज़ थोड़ा फर्क हैगा या मतलब एडी आवाज़ एडजस्टेबल हैगी, क्योंकि हूँ इको ट्रीटमेंट या अकोस्टिक ट्रीटमेंट तो मैं करवा नहीं सकता इस वक्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लगते. तो अजय वो प्रोग्राम है भी नहीं है कुछ करवा का. सो वो करा आप बाचो एक दिन कुछ डिस्कस लेके. हूँ मैंने दसो कि फिलहाल ठीक है, नहीं तो पुराने वाले सैटअप से ही जाना पेगा. सो फिलहाल मूवी में स्टार्ट करते हैं. मूसा जट मूवी कह रहे हैं, मूसा जट ऑफिशियल ट्रेलर सिद्धू मूसेवाले का. तो सिद्धू मूसेवाले के यूट्यूब चैनल दे रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं. पिछली बार आप देखे थे मूसा जट का टीजर, वो तो बहुत कमाल का सी यार. हूँ आप ट्रेलर देखते हैं कि वह फिर करते हैं बाकी गलत डिस्कस. किट का म्यूजिक है नाले देसी रूट्स वाले का, तो ट्रू मेकर सारे ने बनाई है. फिलहाल स्टार्ट करते हैं. हूँ झोले च की लई फिरना ओए? मेरा लाना लाना आ मेरा दादा मैसी, ए मेरा बुढ़ा आशा, या मैं अनाट 11. क्या बात, ओ मूसा मानसा से हो रहा है. मैं रानी जिंदल जम्मी कराड़ा करमा दी ता फुल बटे फुल जट्टियां. चलो इथों मैं गल पैण नु फिरदी है, ते तू मेनू गल लाउण नु फिरदा. कल पूजी ने मेरा नवा चक्का पाड़ता कुछ दे करना है ता तन छड्ड, फिर देखी साला बकरी दा बणया. फिर कोई होर हीला नहीं हैगा, मर्दाना ता यही है. बण जाता तू जंग दा ही है सका सका. जंग सौंदे भाणे ने थापी मारती, जमीन जोर वाले दी हुंदी है, ते अज तो बाद धरती सरमाएदार दी होवेगी. चोरे अपना ट्रैक्टर वापस आ जू. ये सब कहानियां तुझी सच की है बापू? अपनी भेड़ी दा खर्चा सच गुरु महाराज दी देगा. जो अज तक इन्हां ने साडे नाल कीती असी कदे सोची भी नहीं सी, ते हुण जो मैं इन्हां नाल करूंगा ये कदे सुपने च भी नहीं सोच सकांगे. तू यह जमीन बैंक ते संगे वर्गे लैंड माफिया नाल रल के जालसाजी नाल खरीदी है. भाई तीन दिन हो गए नरमा मंडियां च रुलदे नूं, लगदा कुत्ती चोरां नाल रली होई है. काले जहर दीआं शीशियां हत्थां च फड़ी साडे गलां च धक्कण नूं फिरदे आ. आपां इही जहर दीआं शीशियां इन्हां दी गल दी घंटी थल्ले धक्क देंगे. बब्बर शेर पहली वारी डक्किया, ते अज जदों बब्बर शेर ने किद्दर नूं शरेआम पाड़िया ना ओदियां चंगणा तेरे कन तक जरूर आउणगियां. मूसा इस धरती का असल पुत्तर, कुख ते हमला करन वालियां दियां अंदरां कढ के सड़कां ते खिलार देगा. अज इत्थे मूसा खत्थे नाल खरीद एक्ट लागू होया है. कोई भी बंदा रेटा तो घट जे फसल खरीदा दे गया ना, उहनूं इसे मंडी दे विच पुट्ठा टंग देंगे. बहुत ही यार मतलब हिलेरियस कह सकते ना, खिला देने वाला. आई थिंक मूवी बहुत ज्यादा वड्डे पैगाम तक पहुंचने वाली, बहुत ज्यादा हिट होने वाली मूवी जिथे तक मैनू लग रहा है. क्योंकि एक तो सिद्धू मूसेवाला रीजन एक तो यह हो गया, दूसरा रीजन हो गया कि जी मूसे इसकी स्टोरी लग रही है मैं मूवी की, वो मैं बहुत वधिया लग रही है, कमाल लग रहा है. लग रहा है कि कोई जंग हैगी तो रियलिटी बेस्ड जंग हैगी, मतलब या फिर किसानों से रिलेटिड हैगी या फिर मतलब किसी को हक नहीं मिलता ना, तो रिलेटिड हैगी. तो हम देखते हैं मूवी कितना दिखाई है. बाकी यार जो मतलब मूवी का म्यूजिक है ना ट्रेलर सू ए मतलब इन्ना वधिया म्यूजिक है कि मतलब गूज बम्स दे रहा है तो कह सकता है ना. तो बहुत ही हिला देने वाला म्यूजिक है, तो मतलब बहुत कमाल म्यूजिक होने वाली है. तो आई थिंक मूसे पिंड से रिलेटिड ही मूवी होगी, ता ही नाम उदा है. तो एक और लाइन सी बीच में मैं याद नहीं आ रही कि इंडिया का कला पुत्र है या इंडिया का होनहार पुत्र है मूसा, है ना, एक गल कही सिद्धू मूसेवाले ने.
ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਲੀਰਿਕਸ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਦੂਰ ਸਿਆਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੂਵੀ ਦੇ ਲੀਰਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੂਵੀ ਦੀ ਲੀਰਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਮਨਿੰਦਰ ਕਹਿਲੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪੜੇ। ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਿੱਡ ਤੇ ਦੇਸੀ ਰੂਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਟਰੂ ਮੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੂਪਾਲੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਹਿਮਾਚਲ ਤਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੂਵੀ ਦਾ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਂਗਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੂਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਬਾਕੀ ਲਾਈਟ ਵੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਕੁਛ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਫਿਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਬਿਨਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ, ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸੀ ਗਾਈਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਉ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਿਆਲ ਦੇਖ ਦਿਉ। ਅਤੇ ਗਾਈਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।